नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैकेज के माध्यम से रेहड़ी पटरी वाले, फड़वी वाले और उनके जीवन को उज्जवल बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई। क्योंकि पिछले लगभग 2 माह के लॉकडाउन से प्रभावित रेहड़ी फड़ी और पट्टी वाले, जिनका छोटा मोटा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया और लॉकडाउन उनके लिए जी का जंजाल बना हुआ था। कोरोना जैसी महामारी ने विश्व को झकझोर रख दिया, लेकिन आम जनता भी प्रभावित हुई। वे लोग भी प्रभावित हुए जो 2 जून की रोटी रोज कमाते थे और रोज खाते थे, और खासकर इसके चलते रेहड़ी पटरी तथा फड़ी वाले अपना निम्न कारोबार शून्य की कगार पर ले गए। लेकिन उन लोगों को अब 10,000 रुपये प्रति परिवार के देने का ऐलान किया गया है, जो उन लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा। ये जानकारी उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र मित्तल ने दी है। उन्होंने केंद्र सरकार व नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया, और जब से इस प्रकार की घोषणा की गई है, प्रत्येक रेहड़ी पटरी वाले और उन सब में खुशी का माहौल है जो रेहड़ी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस घोषणा से इन छोटे कारोबारियों को एक संजीवनी मिलेगी, साथ ही साथ एक बड़ा मरहम भी, क्योंकि इन लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये बिना ब्याज के मिलेंगे। लोगों का कहना है कि ये केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण फैसला है। पल पल यमुनानगर से सुशील पंडित की विशेष रिपोर्ट। सुरेश, मोदी सरकार ने 20 करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया था, उसने रेहड़ी वालों को 10,000 रुपए की राहत दी थी, जिसमें कि 2 महीने से हम बेरोजगार बैठे हैं। हम सभी भाइयों से यही निवेदन करते हैं कि सब रेहड़ी भाइयों को 10,000 रुपये की राहत मिली जाए। धन्यवाद। संजय कुमार जी, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज क्या है जी, हर रेहड़ी फड़ी वाले को जी 10,000 रुपये मिलेंगे जी। हम 2 महीने से बेरोजगार थे जी, हमारे पास कोई कारोबार नहीं था जी, हम वेले बैठे हुए हैं जी। हम केंद्र सरकार से घोषणा करते हैं कि हमें रेहड़ी वालों को जल्द से जल्द 10,000 रुपये दिए जाए कि हमारा कारोबार आगे से बढ़ाया जाए जी। हम बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नरेंद्र कुमार, मोदी सरकार ने सुना कि हमारे को 10,000 रुपये देने का वादा किया है, जो हमारे को 10,000 रुपये देंगे, जो हमारा कारोबार रुका हुआ 2 महीने से वो चलेगा आगे, इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। देखिए, सुना तो है, ठीक है, कदम आगे हमारा कारोबार चल जाए तो अच्छी बात है। मोदी सरकार से, प्रकाश मोदी सर के, मोदी जी स्कीम चलाए हुए हैं जी, वो बढ़िया है, हमें फायदा है, हमें लाभ है इससे, बहुत बढ़िया है, उनका धन्यवाद है। मिलने से हम बेरोजगार है बोजी, 10,000 मिलने से हमारा कारोबार और अच्छा चलेगा। हमारा नाम वीरेंद्र तिवारी। मोदी ने रेहड़ी फड़ी वालों के लिए 10,000 रुपए का ऐलान किया है, और मिल जाएगा तो हम लोग उनके बहुत बहुत धन्यवाद हैं। हम लोग 2 महीने से खाली बैठे हुए थे, बेकार, एकदम निकम्मे हो रहे थे कि रोटी चलना मुश्किल हो रहा था। यह है कि हाँ, मोदी ने 10,000 रुपए देने का ऐलान किया है, हम लोग उनके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको, मोदी जी को। महेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश अध्यक्ष उद्योग व्यापार मंडल भारतीय हिंदू समाज। हमारे पीएम श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जो 10,000 रुपए का लोन रेहड़ी फड़ी वालों के लिए दिया है, लोन बेहतर है, इससे रुकी जिंदगी थोड़ा चलने में आसान हो जाएगी। मेरी माननीय भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी से व निर्मला सीतारमन जी से, उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस लोन को बढ़ाकर 20,000 कर दें, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसको सरकार को कुछ, सरकार ने इनको बिना गारंटी के और बिना ब्याज के दिया, इसको 20,000 कर दें ताकि उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाए। आज पूरे व्यापारी का, चाहे रेहड़ी फड़ी या और है, जीवन रुक गया, इसके लिए सरकार प्रयास करे, मैं सरकार का आभारी हूं। ये जो लोन 10,000 रुपए रेहड़ी फड़ी वालों को बिना गारंटी बिना ब्याज के दिया है, उद्योग व्यापार मंडल हरियाणा, माननीय भारत सरकार का, श्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी,
माननीय वित्त मंत्री का सदैव आभारी रहे, इसका धन्यवाद।